हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड सबको हैप्पी लोहड़ी। लोहड़ी का त्यौहार सभी को मुबारकबाद। और हमारे साथ है अभी धीमान। अभी से हैप्पी लोहड़ी एंड गुड मॉर्निंग। चलो गाइस, रात को सारी रात यहाँ बारिश होती रही मानसून आग में। और जब मॉर्निंग हमने देखा तो बहुत ही ठंडी हवा चल रही थी और बाहर पहाड़ के ऊपर पहाड़ों पर रात को स्नोफॉल भी हुआ। यहाँ से हमने मॉर्निंग में देखा था यहाँ का व्यू। और मैं आपको अभी का व्यू दिखाता हूँ बाहर। वो धूप भी निकली हुई है बाहर। चलो देखते हैं बाहर का व्यू। तो ये है गाइस यहाँ यहाँ का व्यू बाहर का। और देखिए बहुत ही अच्छा वेदर हो रखा है यहाँ का। बादल है साथ में। और ये आज रात को जो स्नो पड़ी इधर, ये आज रात को पड़ी है यहाँ पर स्नो। और टूरिस्ट भी आना शुरू हो गए। कल रात को यहाँ पर इतना टूरिस्ट नहीं था बट आज है। तो हेलो गाइस, हम बागसुनाग से निकल रहे हैं। अब यहाँ से जाएंगे बीर बिलिंग। हम यहाँ से जाएंगे धर्मशाला और धर्मशाला से वहाँ से रास्ता निकलता है पालमपुर को। और पहुंच गया है चर्च के पास। तो अभी हम आपको दिखाते हैं चर्च और चर्च का आसपास का व्यू। चलो चलो चलते हैं चर्च की तरफ। ओ, लॉक कर दी मैंने गाड़ी, एक बार चेक कर लूँ मैं गाड़ी। बिल्कुल चलो। हाँ, ये है चर्च, अपर धर्मशाला बिल्ट इन। ये 1852 में बनी थी बेटा, 1852 में। चलो चलते हैं। ऊपर ये ना क्रॉस बना हुआ है, ऊपर अगर ये हटा दिए ना। चुप, ऐसे ऐसे नहीं बोलते बेटा। ऐसे जैसे हम जाते हैं मंदिर में, हम ऐसे जो क्रिश्चियन लोग होते हैं वो उनकी ये चर्च होती है, उनका टेंपल होता है ये। सच्ची में मुझे लगता है इसमें डरने वाली कौन सी बात है? लगता है अगर ये ऊपर का ये हट गया ना क्रॉस तो वो लगेगी कितनी खतरनाक। खतरनाक क्यों लगी अभी तक टिकी हुई है, इतनी बेटा? पुरानी पुरानी चीजें टिकी रहती है, आजकल की चीजें नहीं टिक सकती, ठीक है ना? तो ये है चर्च। चलो आगे, चलो देख के चलना। तू गिरता बहुत है। हाँ, जहाँ कहीं नहीं गिरा वहीं गिरता है फिर तू। वो देखो फिर गिरने लगा था। ये देख, ये देख, ये क्या है? क्या स्नो? अरे यहाँ पर स्नो पड़ा था रात को, ये देखो। हाँ, कम स्नो हुआ था इसीलिए ये सारा मेल्ट हो गया। हाँ देखो देखो देखो, ये देखो, ये तो रियल स्नो है, ये स्नो है सारी। हाँ पीछे भी हाँ वो देखो ऊपर छत पे देखो, वो स्नो पड़ा हुआ है, वो देख है ना? ये रात को पड़ी होगी। और हमने रात को देखा ही नहीं उसकी। चलो गाइस अब चलते हैं। अभी जल्दी करो बेटा, आगे जाना, हमने बहुत दूर जाना। अभी जल्दी करो, जल्दी फेंक दो बेटा, आपके कपड़े सारे वो हो जाएंगे, गिले हो जाएंगे सारे कपड़े। देखो बहुत तेज हवा चल रही है, तूफान आ रहा है यहाँ पर। और इतना अच्छा वेदर, मजा आ गया, दिल खुश हो गया हमारा यहाँ पे आना। और दूसरी बात, वेदर बाबा ने सही बताया। हाँ वेदर बाबा ने सही बताया। और दूसरी बात ये भी है ना कि हम आए हैं हॉलीडेज पर, हॉलीडे फेस्टिवल हॉलीडे पर।
जिसकी वजह से मतलब यहाँ पर ना ट्रैफिक नहीं है और आराम से मजे से गाड़ी चल रही है, किसी से कोई ये नहीं कि ट्रैफिक है ये है ऐसा कुछ नहीं है, और इंजॉय कर रहे हैं ड्राइव को भी और यहाँ के वेदर को भी, और दोनों चीज़ों ने मज़ा दिला दिया। देखो बाहर कैसे तूफान चल रहा है गाइस, देखो बारिश हो रही है बाहर, और हम पालमपुर बस पहुँचने वाले हैं। देखिए आप एकदम काले बादल, आज पूरे दिन बारिश होने वाली है। बैजनाथ यहाँ से 20 किलोमीटर है और पालमपुर रह गया सिर्फ 3 किलोमीटर। तो गाइज हम पहुँच गए हैं पालमपुर, और पालमपुर में हम अपना ब्रेकफास्ट और लंच एक साथ ही हो रहा है। चलो दिखाता हूँ आपको लंच के साथ ब्रेकफास्ट हो रहा है। क्या खा क्या रहा है तू? आलू का पराठा साथ में मक्खन है। दही नहीं खाएगा? हेलो गाइस, हम अभी पहुंच गए हैं बैजनाथ के पास, और यहां से बैजनाथ है जस्ट 4 किलोमीटर अवे। यहां पर है चाय के बाग, तो हम आपको दिखाते हैं चाय के बाग। और गाइस ये है चाय के बाग, मगर सारे चाय के बाग है ये। अभी देखे आपने चाय के बाग? ये कभी देखा है? इस साइड भी चाय के बाग है सारे, और देखो रोड के दूसरी साइड भी सारे चाय के बाग हैं। तो गाइस अब हम पहुंच गए हैं शिव मंदिर, प्राचीन शिव मंदिर बैजनाथ। चलते हैं, चलो मिलते हैं फिर आपको दर्शन करवाते हैं मंदिर के। चल ठीक है, जैसा तेरी मर्जी। इस बार ना मैंने यहाँ से वो क्या बोलते हैं कैप लेके जानी है, हिमाचल वाली हिमाचली कैप। ये है प्राचीन मंदिर बैजनाथ का। तो कितना पुराना है ये? बहुत पुराना है, बहुत ज़्यादा पुराना है। आप देखो मंदिर कितना पुराना है। चलो आगे। ये कुंड है मेरे ख्याल, इसमें पानी होता रहा पहले, इसमें पानी होता होगा पहले ना। अभी तो खाली है ये, अभी खाली है। हाँ चलो, ये क्या लिखा है? कृपया मंदिर में प्रवेश मुख्य द्वार से करें। और इस साइड लिखा है, इस साइड है। हाँ चलो आगे, चलो आगे, चलो आप चलो। ये पत्थर के बने हुए हैं पुराने। हाँ